बहुत समय पहले की बात है, रमेश नगर नाम के एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में महेश, उसकी पत्नी जया और उनकी 7 साल की बेटी पिंकी रहती थी। सर्दियों का मौसम था और इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे। महेश के घर के हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि वो इतनी कड़कती ठंड में भी एक स्वेटर नहीं खरीद पा रहे थे। जया बेचारी बिना स्वेटर के अपना पूरा दिन ठिठुरते हुए निकाल रही थी। माँ, आप पूरा दिन ठंड में ठिठुरती रहती हो, अब आप भी अपने लिए एक स्वेटर बना लो। तू मेरी फिक्र मत कर, तेरे पापा के पास जब पैसे हो जाएंगे तो वो मुझे स्वेटर दिला देंगे। क्या हम इतने गरीब हैं कि एक स्वेटर भी नहीं ले सकते? बेटी, हम तो पेट भर खाना खा ले उतना ही बहुत है। पिंकी को अपनी माँ के लिए बुरा लगता रहता है कि उनके पास एक स्वेटर भी नहीं है। वो कैसे ठंड में पूरा दिन काम करती है। वो स्कूल के बाद यही सोचते सोचते दूर निकल जाती है और वहाँ एक घने बगीचे में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक बरगद के पेड़ पर एक बड़ा ही सुंदर स्वेटर लटका दिखता है। पिंकी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अरे वाह, इतना सुंदर स्वेटर, ये तो माँ को बड़े अच्छे से आएगा। मुझे कैसे भी करके इस स्वेटर को पेड़ से उतारना ही होगा। बस फिर पिंकी जल्दी से एक लंबी सी डंडी ढूंढ कर लाती है और पेड़ से उस स्वेटर को उतार लेती है। जैसे ही पिंकी उस स्वेटर को हाथ में लेती है, उसके शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि बस स्वेटर को हाथ लगाते ही इतनी गर्मी कैसे आ सकती है। पर वो खुश भी बड़ी होती है कि अब उसकी माँ को ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। पिंकी जल्दी से स्वेटर लेकर घर पहुँचती है। पिंकी की माँ पिंकी के हाथ में इतना सुंदर स्वेटर देख कर चौंक जाती है। अरे पर ये स्वेटर तुम लाई कहाँ से? किसका स्वेटर है ये? अरे माँ, मैंने ये स्वेटर एक पेड़ पर टंगे हुए देखा तो बस मैं आपके लिए ये ले आई। जया बड़ी ही खुश हो जाती है। वो पिंकी के हाथ से वो स्वेटर लेती है और उसको पहन लेती है। स्वेटर पहनते ही जया के शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है। उसे तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे ठंड नहीं बल्कि गर्मियों का मौसम हो। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही गर्म है, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी चीज लेकर आई हो, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। जया पूरा दिन उस स्वेटर को पहनकर बड़े मजे से काम करती है। पर जैसे जैसे शाम होने लगती है, जया अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसकी आवाज भारी हो जाती है और बिल्कुल चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। पिंकी को बहुत तेज भूख लगती है, इसलिए वो अपनी माँ से खाना मांगने जाती है, पर वो पिंकी को डांट कर भगा देती है। उसके बाद जब महेश काम से वापस घर आता है और वो जया से खाना मांगता है, तब भी वो चिल्लाने लगती है। महेश को बड़ा गुस्सा आता है। क्या तुम पागल हो गई हो जो बिना वजह गुस्सा किए जा रही हो? ना तुमने आज पिंकी को खाना दिया और माँ भी कब से भूखी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? ओए, मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा, वरना अभी के अभी तेरी गर्दन मरोड़ कर तुझे यहीं जमीन में गाड़ दूंगी। इतनी बदतमीजी, तू सच में पागल हो गई है। पता नहीं पापा, जब से माँ ने ये स्वेटर पहना है तब से वो एक कोने में बैठी है और किसी से बात भी नहीं कर रही। ऐसा है, अभी के अभी मुझे ये स्वेटर उतार कर वापस दो, इस स्वेटर में ही आग लगाता हूँ मैं अभी। बस इतना सुनते ही जया गुस्से से लाल हो जाती है और चुड़ैल में बदल जाती है। जया को चुड़ैल के रूप में देख महेश की हालत खराब हो जाती है और पिंकी तो जोर जोर से रोने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे स्वेटर को आग लगाएगा? तूने अगर इस स्वेटर को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? जया, जया, तुम्हें तुम्हें ये क्या हो गया है? ये तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं कोई जया नहीं हूँ, मेरा नाम रागिनी है, रागिनी, समझा? और अब मैं तेरी जान ले लूंगी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा स्वेटर, बस मुझे कुछ मत करो। पर याद रखना, अगर मेरे स्वेटर की तरफ नजर भी उठाकर देखा तो आंखें निकाल लूंगी। जैसे तैसे चुड़ैल शांत हो जाती है और वापस जया में बदल जाती है। जया को कुछ होश भी नहीं होता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, चलो खाना खाते। माँ, अभी आपको क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं, चलो चलकर खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। महेश पिंकी को इशारा कर देता है कि माँ को कुछ नहीं बताना, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जया के शरीर में किसी चुड़ैल का वास है और जया को कुछ भी याद नहीं है। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। सोते वक्त महेश को लगता है कि जया अब स्वेटर उतार कर सो जाएगी और महेश उसका स्वेटर कहीं दूर फेंकाएगा, पर जया तो स्वेटर उतारे बिना ही सो जाती है। अब अगली सुबह होती है, महेश को काम पर जाना होता है, पर जया अभी तक सो रही होती है। जया, जया, जल्दी उठो, देखो दिन निकल आया है,
पिंकी को स्कूल के लिए तैयार करना है, मुझे भी काम पर निकलना है, जल्दी उठो बाबा। कितनी बार बताऊं मैं जया नहीं रागिनी हूँ रागिनी, और तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे उठाएगा? तुझे दिखाई नहीं देता मैं सो रही हूँ, मुझे उठाने की दोबारा हिम्मत मत करना, समझा? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुमको नहीं उठाऊंगा। महेश फिर पिंकी से उस स्वेटर के बारे में पूछता है। पापा वो स्कूल से आगे जाकर बगीचे में जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है उस पर से। महेश फिर पिंकी के साथ उस बगीचे में जाता है और वहाँ खड़े बरगद के पेड़ को ध्यान से देखता है। वो वहाँ खड़ा देख ही रहा होता है कि तभी उधर से एक आदमी गुजरता है जो महेश को टोकता है। अरे भाई तुम इस मनहूस पेड़ को क्यों देख रहे हो, चले जाओ यहाँ से। मनहूस मतलब, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे भाई क्या तुमको कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे कुछ समय पहले यहाँ एक लड़की की लाश लटकी हुई मिली थी, बड़ी ठंड का समय था, सुना है उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा इस पेड़ पर बांध दिया करती थी। एक दिन तो उसकी माँ ने हद ही कर दी, कड़कती दिसंबर की ठंड में उसका स्वेटर उतार कर उसे इस पेड़ से लटका दिया। सुबह जब लोग आए तो उनको लगा कि वो लड़की बेहोश हो गई है, पर जब उसे पेड़ से उतारा तो वो बेचारी ठंड से मर चुकी थी और उसका स्वेटर वहीं पेड़ पर लटका रहा। उसके बाद एक दिन वो स्वेटर उसकी सौतेली माँ ने पहना था और वो अजीब हरकतें करने लगी थी। कुछ दिन तो ऐसे ही चला और फिर एक दिन उसकी माँ ने खुद को ही मार डाला। फिर तब से वो स्वेटर यहीं टंगा रहता था, पर पता नहीं अब कौन ले गया। लोग कहते हैं कि रागिनी चुड़ैल बन गई और उसकी आत्मा उस स्वेटर में आ गई थी। क्या नाम बताया तुमने? रागिनी? हे भगवान अब मेरी जया का क्या होगा? क्या हुआ भाई ऐसे क्यों रो रहे हो, है? क्या बात हो गई? दरअसल वो स्वेटर मेरी बेटी पिंकी इस पेड़ से उतार कर घर ले गई और अपनी माँ को दे दिया। जब से उस चुड़ैल का स्वेटर जया ने पहना है तब से उसमें भी उसकी आत्मा आ गई है, उसने खुद अपना नाम मुझे बताया है। ओहो ये तो हो रहा ही था, तुम्हारी पत्नी ने वो स्वेटर जो पहन लिया, अब तो भाई तुम्हारी पत्नी को भवानी तांत्रिक ही बचा सकते हैं। हाँ, वो दूसरे गांव में रहते हैं, तुम जल्द से जल्द उनको बुला लाओ। बस फिर महेश जल्दी से भवानी तांत्रिक को घर लेकर आता है। भवानी तांत्रिक जया को अपने सामने बिठाते हैं और उसे वो स्वेटर उतारने को कहते हैं। बस इतना सुनते ही जया एक चुड़ैल में बदल गई और बुरी तरह चिल्लाने लगी, तुझे भी मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे तो तू मार ही चुकी है, अब तुझे इन गरीब लोगों को मार कर क्या मिलेगा? अच्छा अच्छा लगता है मुझे, मैं मारूंगी, सबको मारूंगी। तांत्रिक अपनी कोशिश कर लेते हैं पर चुड़ैल जया का शरीर छोड़ने को तैयार ही नहीं होती, वो तो बस उसे मारने पर तुली होती है। उसके बाद तांत्रिक भी हार मान लेता है, उसके बस में ही नहीं होता कि वो उस चुड़ैल को जया के शरीर से निकाल सके। चुड़ैल अपना ही गला दबाना शुरू कर देती है। नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा स्वेटर लेने की, नहीं छोड़ूंगी किसी को। अपनी माँ को मरते देख पिंकी उस चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। ये सब मेरी गलती है, हम बहुत गरीब है और पापा के पास माँ को एक स्वेटर दिलाने के भी पैसे नहीं थे। मेरी माँ इतनी ठंड में ठिठुरती रहती थी पर बेचारी एक शब्द ही बोलती थी। मैंने ही वो स्वेटर उस बगीचे में देखा और मैं ले आई, सब मेरी गलती है। आप मुझे मार दो पर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, उनकी गलती बस इतनी थी कि वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। पिंकी को ऐसा करते देख उस चुड़ैल का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है, उसे पिंकी को देख अपनी जिंदगी याद आ जाती है। चुड़ैल जया के शरीर को छोड़कर चली जाती है, उसके जाते ही जया बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता,
वो तो बस अपने नए स्वेटर के लिए खुश होती है।